हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। तो अब आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, स्मोकी दही पनीर। ये देखिए, मैंने पनीर को इस तरीके से कट कर लिया है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही डिलीशियस ये बन के तैयार होती है, स्मोकी दही पनीर। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्मोकी दही पनीर बनाने के लिए हमें 250 ग्राम ये पनीर ले लिया, इसको इस तरीके से कट कर लिया। आप जैसा चाहें वैसे कट कर लें। और हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज और 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, उसको इस तरीके से रफली काट लिया है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्मोकी दही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली, उसको गर्म करके उसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम कुछ खड़े गर्म मसाले लेंगे, 2 से 3 छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, सौंफ, लकड़ी, इस तरीके से उसको 5 मिनट तक सोते कर लेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा इसमें डाल के 5 मिनट तक सोते कर लेंगे। हम इसमें टमाटर और ये प्याज ऐड कर देंगे, तो 5 से 7 मिनट तक सोते करेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि बाद में इसमें हमें डालना है। इसको अच्छे से 5 मिनट तक सौते कर लेंगे। पाँच मिनट तक मेरे प्याज टमाटर सौते हो गया। अब इसको निकाल के इसका फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ठंडा हो जाए, फिर इसका हम फाइन इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी कढ़ाई में हमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैं पनीर को इसी में तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पनीर को फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। ये हमारा बचा हुआ ऑयल है जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था। अब इसमें 1 टीस्पून हम बटर ऐड कर देंगे। बटर मेरा मेल्ट हो गया, इसमें 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे। अब पिसा हुआ जो पेस्ट हमने बनाया था टमाटर और प्याज का, वो ऐड कर देंगे। मसाला हमने ऐड कर दिया, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसका कलर कितना अच्छा आ गया। इसको 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे, जब तक ऑयल मेरा सेपरेट ना हो जाए। हम इसमें मसाले, सूखे मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर। फिर से मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला मेरा अच्छे से भून गया, इसमें अब हम 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। इसको अच्छे से 5 मिनट तक भून लेंगे। मसाला मेरा भून गया है, इसमें 1/2 टीस्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 खड़ी मिर्च। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर हमने ऐड कर दिया, इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट पकाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट भून लेंगे, पका लेंगे। अब हम इसमें एक बीच में कटोरी में जगह करके इसमें कोयला पर डाल के लिड से कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे मेरा स्मोकी दही पनीर तैयार हो जाए, इसका स्मोकी फ्लेवर आएगा। ये देखिए, स्मोकी दही पनीर मेरा तैयार हो गया है, सुपर टेस्टी डिलीशियस। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको पराठे या रोटी से भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है ये, जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
चलिए इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए स्मोकी दही पनीर मेरा तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से चाहे तो आप बटर डाल लें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।